अस्सलामु अलैकुम। आज ये मंगल का दिन है और 4 जनवरी 2022 की तारीख। हमारी उर्दू की नशरियात तदब्बरुल कुरान की सीरीज में ये ब्रॉडकास्ट नंबर 288 है और इसमें हम सूरह बकरा जो है उसकी आयत नंबर 97 पर बात करेंगे। एक्चुअली हमने इस पे बातचीत जो है वो दिसंबर में शुरू कर दी थी और पहला हिस्सा इसका दिसंबर में जो है हमने ब्रॉडकास्ट किया था, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें ये नशरियात जो हैं कुछ अरसे के लिए बंद करनी पड़ी और नए साल में 2022 में इस दुआ के साथ कि खुदा ताला आपके लिए ये बरकत का साल जो है वो बनाए, हम ये सीरीज़ जो है दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो ये नशरियात जो है ये आपकी खिदमत में लाहौर अहमदिया कम्युनिटी जो है वो पेश करती है, जिसके बानी थे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी। और आपकी तालीम थी कि आ हज़रत जो हैं वो आखिरी नबी हैं, जो दूसरे लोग कहते हैं कि आ हज़रत के बाद भी नबी भी आ हज़रत के बाद भी नबी आ सकता है, लेकिन कुरान करीम कहता है कि आ हज़रत ख़ातमुन्नबीयीन हैं और आ हज़रत ने उसकी ये तफसीर की ला नबी आबादी के मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो हैं उन्होंने फरमाया कि मैं जो हूँ वो इस सदी का मुजद्दद या रिफॉर्मर हूँ, इसलिए कि जब आ हज़रत से पूछा गया था कि हुजूर जब अगर उम्मत जो है वो गुमराह हो गई, उसके अकायद में फसाद पैदा हो गया तो फिर क्या होगा, तो आ हज़रत ने फरमाया था कि मुजद्दीन आएंगे, खुदा जो है मुजद्दीन को भेजेगा जो उम्मत की इस्लाह करेंगे। और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं उनकी खसूसियत ये थी कि उनके लिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह और महदी के इल्काब इस्तेमाल किए थे। लेकिन इस इख्तलाफ़ राय से कोई काफ़र नहीं हो जाता, इसलिए कि आ हज़रत ने फरमाया है कि अगर एक कलमा गो दूसरे कलमा गो को काफ़र कहे तो कुफर उलट कर कहने वाले पर आके पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है एक कलमा गो को काफ़र कहना। इसी तरह हज़रत साहब की तालीम थी कि वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि कुरान जो है उसके कुछ हिस्से जो हैं वही नबूवत के वो कुरान में शामिल नहीं, ये बात गलत है। तमाम वही नबूवत जो है जो आ हज़रत पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आते थे वो सारी की सारी कुरान में मौजूद है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं रहती। और कुछ लोग कहते हैं कि कुरान जो है उसकी कुछ आयात मनसूख हैं, तो ये भी गलत है। कुरान की कोई आयत जो है वो मनसूख नहीं, तमाम ना थी ना है ना होगी,
तमाम वही नबूवत जो नाजिल हुई वो जो है वो क्या उसे कहा जाए, अंग्रेजी का लफज है इफेक्टिव, वो इफेक्टिव है। तो आइए इसके साथ हम कुरान करीम की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, अलबकरा की आयत नंबर 97 जो है, हम उसके अल्फाज पर गौर कर रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإن نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين। कह दो जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो तो उसने अल्लाह के हुक्म से इसको तेरे दिल पर उतारा, उसकी तस्दीक करता हुआ जो उससे पहले है। और मोमिनों के लिए हदायत और खुशखबरी है। तो आज हम दो अल्फाज पे बात करेंगे। एक एक पहला लफ्ज जो है लिजिब्रील, ये तो बहुत आसान है कि ये उस फरिश्ते का नाम है जिसको खुदा ताला ने मुकरर किया था कि वो वही नबूवत जो है वो लेके तो मुख्तलिफ नबियों के पास जाए। वही हज़रत इब्राहीम के पास आए, वही हज़रत सुलेमान के पास आए, वही हज़रत ईसा के पास आए, वही आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आए। तो ये सिर्फ एक नाम है। तो अगला लफ्ज जो एक्चुअली मैं मिस कर गया था, तो ये जब ब्रेक के बाद दोबारा शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये लफ्ज़ जो है ये बहुत अहम है, लेकिन मैंने उसको मिस कर देना था। नज़लहु, तो ये लफ्ज़ जो है कुरान का डिक्शनरियों की तरफ हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मस्दर जो है वो है नून ज़े और लाम। और ये कुरान करीम में 293 दफ़ा आया है 12 मुख्तलिफ शक्लों, यानी इन 3 हरूफ से 12 मुख्तलिफ जो हैं लफ्ज बने हैं जो कुरान में आए हैं। एक 183 दफा अनजाला और 62 दफा नज़ाला, ज्यादा यही है। उसके बाद है 15 दफा ये है तंजील और 8 दफ़ा है नुज़ूल और 6 दफ़ा है नज़ला और 7 दफ़ा है तनज़लत और 5 दफ़ा है मुंज़िलीन
और फिर दो दफ़ा एक दफ़ा बाकी जो है वो इस तरह है। तो ये जो है इसको उर्दू में भी जो है इससे जो निकले लफ्ज हैं वो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। मंजिल, तो नज़ला जो है उसका मेन मतलब जो है वो है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आना। तो ये हम कहते हैं ना मंजिल उर्दू में, इसी से निकला है। कहते हैं ये बिल्डिंग जो है इसकी चार मंजिलें हैं, उसकी छह मंजिलें हैं, उसकी आठ मंजिलें हैं। लेकिन इसके अलावा कोई खाना पीना या कोई भी चीज़ जिससे आप कोई मेहमान जो है उसकी खिदमत करें, तो उसके लिए भी ये यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका माना ये भी है देने का। तो खेती जो है उसके जो है अपना बढ़ने को फूलने को, उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। मसलन अर्दन नज़लतन, कौन सी ज़मीन जो बड़ी ज़रख़ेज़ है। तो अनज़लन जो है वो बारिश को भी कहते हैं, और इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि इसका बुनियादी मतलब है ऊपर से नीचे आना, तो बारिश जो है ऊपर से नीचे आती है। तो नज़ील जो है वो मेहमान को भी कहते हैं। तो मनाजल उतरने की जगह, और तो ये है आपने देखा होगा कि कई दफ़ा, अब तो ये इस्तेमाल नहीं रहा, लेकिन कई दफ़ा कहा जाता था कि जी ये सफ़र जो है इसकी कितनी मंजिलें हैं, यानी कितनी दफ़ा आपको रुकना पड़ेगा। ये और कौमें जो हैं वो भी ये चीज़ इस्तेमाल करती हैं। मसलन अमेरिका में रेड इंडियन जो थे वो लंबा सफ़र जो है उसके लिए वो कैसे नापते थे उसको, वो कहते थे जनाब इसमें कितने सोने हैं। सोना वो नहीं गोल्ड, बल्कि सोना नींद वाला सोना, यानी कितनी दफ़ा हमें रुकना पड़ेगा, इसकी कितनी मंजिलें हैं। वो कई दफ़ा वो कहते थे हमें कितनी दफ़ा रुक के तो सोना रात गुजारनी पड़ेगी। तो तंजील जो है उसको, उसमें ये चीज़ है कि ये क्या उसे कहा जाए ग्रेजुअली कोई चीज़ जो है उतरती है। इंजाल जो होता है उसमें ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ नीचे उतरे। अबादल हैं बादल हैं, उनमें आबी बुखारात होते हैं जो पानी बन के नीचे गिरते हैं, लेकिन वो सारे का सारा पानी जो है वो एकदम नीचे नहीं गिर जाता, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जमीन पर बरसता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका लिटरल मतलब जो है, लघवी मतलब जो है वो है ऊपर से नीचे उतारना। और कुरान जो है उसने चैप्टर 57 वर्स 25 में मसलन कुरान करीम कहता है
कि हमने लोहा ऊपर से नीचे उतारा। व अनजल नल हदीद, कि हमने लोहा जो है वो नाजिल किया आसमान से जमीन पे। अब जाहिर है कि आप अगर बाहर देखें तो आपको नहीं नजर आएगा कि लोहे की शीटें जो हैं वो आसमान से नीचे उतर रही हैं। तो आप इसका मतलब ये करेंगे कि हमने लोहा जो है वो पैदा किया, हमने लोहा जो है वो लोगों को दिया, उन्हें अता किया। तो इसी तरह सूरह हजर में भी है चैप्टर 15 वर्स 21 कि खुदा ताला कहता है कि हमारे पास चीज़ें जो हैं, खजाने जो हैं, उनके ढेर हैं, उनकी चाबियां हैं। तो लेकिन वो ढेर जो हैं खजानों के, हम सारे इकट्ठे ही नहीं बनी नुए इंसान को दे देते, हम एक मुनासब अंदाजे के मुताबिक ये नाजिल करते हैं। बी आदारा बालूम, हम लोग जो है उर्दू में हम कहते हैं लफ्ज़ कदर आ जाए तो हम कहते हैं कदर व कज़ा और किस्मत और जो लिखा है और ये और वो। यहाँ जो है कदर का क्या मतलब है, यहाँ कदर का मतलब है एक मुनासिब अंदाज़ा, एक कैलकुलेटेड अमाउंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि ढेर का ढेर जो है वो इकट्ठा दे दिया। अब आपने देखा होगा कि पेट्रोल तेल जिस पे दुनिया आजकल चलती है, गैस, वो कभी कहीं निकल आता है, कभी कहीं निकल आते हैं, कभी सऊदी अरब में, कभी ईरान में, कभी अमेरिका में, कभी रूस में, कभी साउथ अमेरिका में। तो ये नहीं कि सारी दुनिया में कुरे अर्ज़ पे जो क्या से कहते हैं तेल है सारा या गैस है ज़मीन के नीचे, वो इकट्ठी एकदम निकल आए, नहीं, एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो है अंदाजे के मुताबिक। और ये इंसानों के ज़रिए होता है, इंसान जो है वो निकालता रहता है। तो और इसमें ये भी है कि नज़ूल और इंजाल या इंजालन जो है उनके मानी ये जो हैं, यानी इंसान को कोई चीज़ें देना, अता करना, लेकिन ये बग़ैर मेहनत के नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप आराम से बैठ के सारा दिन जो है वो अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते रहें और टीवी देखते रहें और ताश खेलते रहें और चेस खेलते रहें, और आप दरवाज़ा खोलें तो दरवाज़े पे जो हैं आपके इस्तेमाल के लिए गैस के ड्रम और तेल के पीपे और सोने का जेवर जो है वो पड़ा। ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि खुदा ताला हर चीज़ जो है उसमें वो क्या कहता है कि हमारी मेहनत शामिल, सिर्फ एक चीज़ उससे मुस्तस्ना है, वो है वही नबूवत। तो और ख़ास क्यों फरमाया, एक कुरान जो है उसकी तंजील जो है, ये क्यों कहा कि तंजील होती है, इसलिए ये क्लियर करने के लिए कि ये जो हैं आइडियाज, ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो थे उनका यही ख्याल था कि वही जो है कोई बाहर से नहीं आती, ये आपके अंदर ही दिल या दिमाग से कोई ख्याल पैदा होता है, जैसे कहते हैं लहर सी आती है या लह सी आती है, तो वो हदायत की सूरत में जो नबी होते हैं उनकी जुबान से जारी हो जाती।
लेकिन हम भी इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करते। हम ये कहते हैं कि नहीं, कुरान करीब में जो ये लफ्ज़ आए हैं इनका मतलब है कि ये एक चीज़ जो है किसी के अपने ख्यालात नहीं, बल्कि ये बाहर से आई है, ये एक्सटर्नल है। तो देखें, अगर इंसान के अंदर से ये चीज़ें हों तो फिर आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से इसको बेहतर बना सकते हैं, या अगर आपको हासिल नहीं तो आप हासिल कर सकते हैं। आपके पास जेवर नहीं, ज्वेलरी नहीं, आपके पास महंगी घड़ी नहीं, आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, करते हैं, जाके ले आते हैं। लेकिन ये वही जो है, ये आप कितनी भी मेहनत करें, जो कुछ आप मर्जी कर लें, ये जो है खुदा ताला जो है जिसको चाहता है अता करता है। और ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मेहनत से नबी बन जाएं या वली बन जाएं या कुछ। तो आम तौर पे ख्याल ये है कि ये वही जो है ये इसका सिलसिला बंद हो गया है, तो इसलिए वही जो है उसकी किस्मों में भी फर्क करना जरूरी है। एक होती है वही, ये नबूवत जिसमें खुदा ताला के अहकाम होते हैं, जैसा कि कुरान है, वो खुदा की तरफ से हदायत है, वो आपने जो है फॉलो करनी है। अगर नहीं करेंगे तो खुदा ताला जो है वो आपसे जवाब तलब करेगा क़यामत के रोज़। तो दूसरी जो होती है वो खुदा ताला जो है वो कलाम करता है अपने बंदों से, और ये कुरान में इसका ज़िक्र है। कुरान जो है उसमें लिखा है कि जब एक फरिश्ता इंसान की, आदमी की शक्ल में मरियम के पास आया, और बाकी किस्सा मैं सारा नहीं दोहराता, वो सबको पता है। तो जब वो फरिश्ता आया तो फिर वही आ गई ना, लेकिन वो फरिश्ता जो है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहा था। वो हजरत मरियम जो थी वो उनको ये नहीं कह रहा था कि जनाब ये खुदा की हदायत है तो लोगों को कहें कि इस तरह करो। इसी तरह हजरत मूसा की वालदा थी, कुरान में साफ लिखा है कि हमने उनकी तरफ वही की। अब वो तो नबी नहीं थी, फिर भी उनकी तरफ खुदा ने वही की। तो पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि गैर नबी को भी वही हो सकती है, और ये कुरान से साबित है। गैर नबी के पास फरिश्ता जो है वो आ सकता है, ये कुरान में लिखा है। जो मिसाल मैंने दी हजरत मरियम की, एक आदमी, एक फरिश्ता जो था वो आदमी की शक्ल में आया और उन्हें कहा कि तेरे एक बेटा होगा, और हजरत मरियम जो थी उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है वगैरह वगैरह। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो थी उनका ये तो नहीं लिखा कि कैसे की, सिर्फ ये लिखा है कि हमने उनकी तरफ वही की। तो जब कुरान कहता है कि गैर नबी जो है उसको वही हो सकती है, सिर्फ नबी को नहीं, तो फिर हम उसका इनकार करने वाले कौन होते। ठीक है, नबूवत ख़त्म हो गई है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत ख़त्म हो गई, अब और कोई नबी नहीं आए, और कोई नई हदायत नहीं आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ताला जो है उसने इंसानों से कलाम करना बंद कर दिया। तो ये जो है ये एक, जिसे क्या कहा जाए, दरमियाना रास्ता है। कुछ लोग जो हैं
वो एक नबी को लाते हैं कि जी हजरत ईसा आएंगे और फिर जाहिर है अब नबी आएंगे तो उन पे वही नबुवत ही होगी ना। तो फिर तो हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो आखिरी नबी ना रहे। तो अब कुछ लोग इसके जवाब में कहते हैं कि जी वो जब आएंगे तो वो नबी नहीं होंगे, अगर नबी नहीं होंगे तो आप ये फिकरा कहीं से दिखा दें कुरान में से, ये नबी जो है इस दुनिया में मारे खाता है सब कुछ करता है ये वो और आखिर में उसके साथ होता क्या है कि नबूवत जो खुदा ने उसको अता की होती है वो खो देता है, ये किस किस्म का इंसाफ। तो ये जो है वही वो नबी को आए या गैर नबी को आए तो उसका पॉइंट मेन ये है कि खुदा ताला जो है उस पे कई चीजें जो हैं वो क्लियर करता है, उनसे पर्दा उठाता है। मसलन ये है कि एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, तो वो ये है कि अपना सर सैयद अहमद खान साहब जो थे वो फरमाते थे कि हजरत ईसा जो हैं वो वफात पा चुके हैं, और दूसरे उलमा जो थे उसी ज़माने के वो भी बड़े बड़े जय्यद आलम थे वो कहते थे कि जी नहीं हजरत ईसा जिंदा आसमान पे बैठे हैं। अब किसकी बात मानी जाए, दोनों आलम हैं और अपना अकीदा जो है उसको साबित करने के लिए दोनों ही जो है वो कुरान से आयात पेश कर रहे हैं, बाहर से नहीं ला रहा। अब दोनों ही जो है वो कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं सर सैयद अहमद खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हजरत ईसा वफात पा चुके हैं, दूसरे उलमा जो कहते हैं वो कहते हैं नहीं हजरत ईसा आसमान पे बैठे। अब आप और मैं जो है किसकी बात माने, तो जो फर्क है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मसीह माऊद अलैह सलाम जो हैं उनके स्टैंड में वो ये है कि आपने फरमाया कि खुदा ने मुझे बताया कि हजरत ईसा वफात पा चुके हैं। अब जाहिर है चूंकि हमारे पास किसी चीज की तस्दीक करने के लिए जो टच स्टोन है वो तो कुरान है, तो जब आपने कुरान में देखा तो आपको कुरान में 30 आयात मिली जिनमें लिखा था, जिनसे आप आर्ग्यू कर सकते थे कि हजरत ईसा जो है वो वफात पा चुके हैं। मैं मसलन ये एक मिसाल दे के मैं खत्म करता हूँ कि कुरान करीम में लिखा है कि हजरत ईसा जब तक जिंदा हैं तो उन्होंने ज़कात देनी है। अब अगर आप कहें कि हजरत ईसा जो है आसमानों पर जन्नत में जिंदा है तो फिर कुरान की इस आयत की रूह से हजरत ईसा पर लाजमी है कि वो ज़कात दे। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं बताई कि जब तुम इस जमीन पे हो तो तुम्हें ज़कात दोगे, आसमानों पे चले गए तो नहीं देनी है, कुछ नहीं। सिंपल अल्फाज, जब तक तुम जिंदा हो ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अब हजरत ईसा जो हैं कहाँ से जन्नत में कमाई करते होंगे ज़कात देने के लिए, या किसको देते होंगे, जन्नत की करेंसी क्या है, हजरत ईसा को वहां क्या मिनिमम वेज मिल रही होगी या नहीं मिल रही होगी। तो इस तरह की जो हैं चीजें कुरान में शामिल करने से, कुरान तो नहीं बल कुरान से ही ये नताइज निकाले जाते हैं, तो लेकिन बहरहाल अकायद में शामिल करने से इंसान जो है वो मजहब को एक अजीब चू चू का मुरब्बा जो है वो बना देता। कुरान करीम ने कहा है कि इस्लाम एक सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान मजहब है,
हज़रत ईसा पैदा हुए, एक इंसान थे, वफात हुई, बात ख़त्म हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि आप जो भी हैं और जहाँ भी हैं, खुदा ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और नुकसान और शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, गुड बाय।